नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ मैं, टॉपिक है आपका इंटरनेट। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था लगभग आपके सारे टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले हैं वो पढ़ाए जा चुके हैं, MCQs भी काफ़ी करवा चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन जो अभी बचे हुए रिमेनिंग वो मैं करवाती रहूँगी। लेकिन आज जो है मोर और लेस आपका टॉपिक खत्म हो गया है। अब आप कंप्यूटर का कोई आपको टॉपिक लगता है कि अभी रह गया या कोई और टॉपिक आपको अभी और पढ़ना है उसके बारे में और कुछ आपको लगता है डाउट, तो कमेंट सेक्शन में आज बता देना, क्योंकि जो आपको PDF मैंने कहा था वो इसके बाद ही अब आपको मिलेगी। ठीक है, आज कंपाइलेशन हो जाएगा चीज़ों का तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। PDF के लिए आपको पहले ही बोला था आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहीं पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ, PDF जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ये बात पता है जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है, तो कुछ कॉस्ट उससे ली जाए आपसे ली जाएगी, बट बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट होगी, 100 रुपीज़ या ऐसे कुछ रखूंगी आपको। उसमें कंप्लीट PDF दे दूंगी, जो भी आपको टॉपिक पढ़ा गए हैं वो सब, प्लस एडिशनल और एक्स्ट्रा MCQs जो आपको यहां नहीं कराए गए हैं वो भी आपको उस PDF में मिलेंगे। डेमो देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे तो वहां पर एक आपको टॉपिक डेमो के लिए दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें अगर आप रेगुलर प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो वो कंटेंट तो होगा ही, प्लस एडिशनल और भी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फटाफट से पहले आज शुरू कर लेते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट देखो क्या है, इंटरनेट आप सभी को पता होगा ये दुनिया का क्या होता है। आज सारी चीजें जो आप कर रहे हो वो सब किसकी वजह से हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से हो पा रही है। आप अगर मुझे भी सुन पा रहे हो, यूट्यूब चैनल फॉलो कर पा रहे हो तो किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट का नाम अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम क्या है देखो, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यानी कि क्या कर रहा है, नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है आपका इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब देख लो आपको पता है ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला रहता है, तभी तो हम यहां से अगर अमेरिका की कोई चीज जानकारी चाहते हैं वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और आप वहां कोई चैनल फॉलो करना चाहते हैं, वहां के लोग कुछ यहां पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में दोस्तों आपको इंटरनेट की बातें बताऊंगी, जितने प्रोटोकॉल आपके हैं, FTP है, SMTP है, HTTP है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में जनरली आते हैं वो आपको यहां पर बताऊंगी। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है देखो, ये वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आती हूँ चीजों को कि आप पढ़ो और समझ जाओ, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इंटरनेट क्या है, बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को क्या बोलते हो, नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में आएगा नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन होंगे, इंटरनेट है, TCP/IP है, या फिर दो तीन और नाम दिए जाएंगे, MS Word है, आपसे MS Excel दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इंटरनेट को। आगे देख लो, इंटरनेट क्या है, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसमें डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या करते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल में पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आपके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, वही क्या है आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम बता दिया है, इंटरनेट में क्या होती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, इस पर कार्य करता है। क्लाइंट कौन होता है, जो इंटरनेट में मौजूद होता है, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो हम क्या है, हम क्लाइंट हैं, जो इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है उसे क्लाइंट कहते हैं, और कंप्यूटर जिससे सूचना स्टोर रहती है उसे क्या कहते हैं, हम सर्वर कहते हैं। जहां पर ये सारी चीजें आपकी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने जानकारी चाहिए, वो जिस जगह स्टोर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर, और आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या होते हो, क्लाइंट। तो इंटरनेट हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंटरनेट जो है वो किस आर्किटेक्चर पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आती मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आराम से आप बता सकते हो। और आप जो PDF की बात कर रहे हो वो देखो, 100 रुपीज़ की एक मिनिमम कॉस्ट आपसे लगेगी, उसमें आपको एक कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस MCQs दे दूंगी जो भी एक्स्ट्रा है, और वन टाइम में वो ई-बुक टाइप की होगी, आप एक बार पेमेंट करोगे आपको तुरंत दे दी जाएगी, बार बार का कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि आप पेमेंट करो, आपको एक ग्रुप में ऐड करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पेमेंट करोगे और आपको तुरंत की तुरंत PDF दे दी जाएगी। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको अभी एंड में बताऊंगी, कैसे आपको पेमेंट के लिए, PDF के लिए पेमेंट करना है।
इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों 1 जनवरी 1983 को किसने किया था? विंट सर्फ और बॉब काहन। देखो आपको मैं इसके पहले भी शायद बता चुकी हूँ, नहीं बताई हूँ, पिछली बार आपसे एक दो चीजों के फादर पूछ लिए गए थे, इसलिए इस बार मैंने आपको एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, सबके फादर आपको बता दिए हैं। तो यहां भी आपको जानना चाहिए कि विंट सर्फ और बॉब काहन जो है इनको क्या कहते हैं, इनको हम इंटरनेट का पिता या इंटरनेट का जनक कहते हैं। भारत में कब आया? भारत में पहली बार इंटरनेट कब आया था दोस्तों? 14 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय स्पीड बहुत कम होती थी। अभी देखो आपको पता है 5G तक आ गया और अब स्पीड बहुत अच्छी आने लगी है, चाहे आप जियो से यूज करो, वाईफाई वगैरह है तो बहुत ही बेहतर स्पीड आ रही है। अदरवाइज आपको पता है कि अब इंटरनेट की स्पीड बहुत हो गई, अच्छी हो गई। पहले आपको पता है इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी। इंटरनेट के प्रकार कौन कौन से देख लो फिगर में, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ अभी बता दे रही हूं। कौन कौन से टाइप है? एक आपका डायल अप है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, सैटेलाइट है, ISDN है, लीज लाइन है। देखो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूं, जो अगर क्लास है मेरी फटाफट चीजें आपको समझा के खत्म कर दूं, बिल्कुल बकवास नहीं करना चाहती। इसलिए प्लीज अगर आपको पसंद आती है वीडियोस तो इसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। चलो डायल अप क्या है? डायल अप देखो पहले यूज किया था, अभी इसका इस्तेमाल खत्म हो गया है एकदम। क्यों? एक तो इसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी डायल अप में। डायल अप आपने देखा होगा तो एक कंप्यूटर कह रही हूं, फोन से कनेक्ट कर दिया था। फोन से जब कनेक्ट करके हम लोग इंटरनेट यूज करते थे वो हमारा डायल अप होता था, लेकिन उसमें क्या था, स्पीड बहुत स्लो थी। इसलिए आजकल टाइम पे को यूज बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ब्रॉडबैंड की अगर बात कर लूं तो ब्रॉडबैंड में क्या होता है, एक डेडिकेटेड केबल होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रॉडबैंड आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। भाई एक डेडिकेटेड लाइन आप ही के घर को या आप ही की ऑफिस में दे दी गई है तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। और एक आपको पता है जो कनेक्शन है उसे सबको दिया जा रहा है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में डिफरेंस आएगा। जिस घर में ब्रॉडबैंड होता है वहां क्या होता है, स्पीड बहुत बेहतर आती है, क्योंकि ब्रॉडबैंड में एक डेडिकेटेड केबल होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की। वाईफाई में आपको अभी अलग बताऊंगी। सैटेलाइट देखो क्या होता है, सैटेलाइट वाली जो आपकी इंटरनेट है वो वहां यूज किया दोस्तों जहां पर आपका ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि यहां भी स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो आती है, ठीक है, स्पीड बहुत स्लो आएगी, यानी आप कुछ अभी खोलने चलोगे तो आपको टाइम लग के वो चीज खुलेगी। ऐसे क्या है, आप देखते हो यूट्यूब या कुछ बिना बफर किए फटाफट चलता रहता है, यहां स्पीड स्लो आएगी तो क्या होगी, चीजों को डाउनलोड करने में, चीजों को चलाने में आपको बहुत समय लगेगा। तो सैटेलाइट वाली हम सिर्फ वही यूज करते हैं जहां पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है, रिमोट एरियाज में, ठीक है। ISDN लीज लाइन मैं आपको अभी समझाती हूं आगे, तो समझ में आ गया होगा तीन मैंने जो आपको बताए हैं। वाईफाई देख लो, वाईफाई इंपॉर्टेंट है आपके। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का पूरा नाम पहले जान जाओ, वायरलेस फिडेलिटी होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी है। और एक चीज समझ जाओ, आपको पता भी होगा वाईफाई की एक रेंज होती है, उस रेंज के बाहर चले जाओगे तो क्या होता है, वाईफाई नहीं यूज हो पाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, मैं ऑलरेडी आपको साइबर सिक्योरिटी बता चुकी हूं, मुझे ये बताओ जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो कौन सा आपका साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में आता है। ढेर सारे मैंने टाइप बताए थे आपको साइबर सिक्योरिटी वाले कि ये चीजें आपकी हो सकती हैं, मुझे बताओ जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो किस चीज का डर बना रहता है, किस चीज का अटैक होने का चांसेस होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। जिसने पढ़ी होगी क्लासेस उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा इसका मतलब अभी भी आप क्लासेस को अच्छे से नहीं कर रहे हो, 2 से 3 बार वीडियोस को रिवाइज नहीं कर रहे हो। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। ये क्या करते हैं, इसमें इंटरनेट के लिए आपको किसी प्रकार की केबल का उपयोग नहीं करना पड़ता है। बिना केबल के क्या होता है, आपको एक राउटर दिया जाता है जो क्या करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको इंटरनेट की स्पीड देता है और अच्छी स्पीड देता है। बस लिमिटेशन यह है कि वाईफाई एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है, उस रेंज के बाहर जाते ही क्या हो जाता है, आपका जो इंटरनेट होता है वो ड्रॉप कर जाता है। जिस घर में वाईफाई होगा या आपने देखा होगा जियो वगैरह से आप लोग हॉटस्पॉट लेते हो, जियो में आपका डेटा खत्म हो जाता है, आप क्या करते हो, अपने दोस्त से, अपने किसी रिलेटिव से, किसी से भी क्या करते हो, वाईफाई लेते हो, बोलते हो वाईफाई देके अपना डेटा दे दो, तो डेटा आपको मिल तो जाता है लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक। अब आप उस रेंज के बाहर जाते हो तो क्या हो जाता है, वाईफाई ऑटोमेटिकली आपकी जो कनेक्शन होता है वो कट जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है वाईफाई का कि एक पर्टिकुलर रेंज तक ही ये काम कर सकता है। ISDN क्या है देख लो, ISDN का पूरा नाम पहले देख लो, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल
नेटवर्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये आपका ISDN का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एक टेलीफोन नेटवर्क होता है जो ग्राहकों को इंटरनेट के साथ वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफर जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ISDN सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है, जो एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। काम ये इंटरनेट की तरह ही करता है, इसका काम भी इंटरनेट में आपकी हेल्प ही करना होता है, इंटरनेट का टाइप होता है, और ये आपको वॉइस कॉल भी प्रोवाइड करता है और डेटा को भी ट्रांसफर कराता है। ठीक, चलो आगे देख लो। लीज लाइन, लीज लाइन क्या होती है, ये जनरली आपकी बड़े बड़े बिजनेसमैन या वो लोग यूज करते हैं, एक डेडिकेटेड लाइन को वो खरीद लेते हैं और उनके पे सिर्फ वो लाइन जो होती है वो सिर्फ उनको ही प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्टिविटी। तो ये एक टेलीफोन लाइन होती है एक तरह से, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 1 Mbps से 10 Gbps तक इसकी स्पीड होती है। लीज लाइन जो है, समझो बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही इसको अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि वो जो लाइन होती है, वो जो नेटवर्क होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होता है। तो हम लोग तो वैसे भी अपना रिचार्ज जो कराते हैं जियो का ही, वही बहुत मुश्किल लगता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है, इतनी बड़ी स्पीड जो है, उसकी खैर जरूरत भी हम लोगों को नहीं पड़ती इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में, क्योंकि हर वक्त हर सेकंड का उनका एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए वहां पर जरूरत होती है। तो बड़ी कंपनियों में लीज लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपका क्या करता है, इंटरनेट आपको करता है। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ इंटरनेट जितने मैंने पढ़ाए आपको, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, सैटेलाइट आपका, और लीज लाइन, ISDN, ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन में प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे नंबर वन पे है आपका TCP/IP। आपको देखो मैं इसके पहले ही बता चुकी हूं TCP/IP की आपको क्या करना है, खुद से आपको इसकी लेयर्स पढ़नी है, मैं यहां नहीं पढ़ा रही हूं। हाँ, जो PDF में आपको दूंगी उसमें ये लेयर्स वगैरह दूंगी, ठीक है। तो आपको TCP/IP की लेयर्स पढ़नी है, OSI की लेयर्स जो होती है वो पढ़नी है, ये जरूरी है, आपको ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, क्या काम करता है ये आपको, सॉरी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसपोर्ट की लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है TCP/IP और OSI में, ठीक। और बाकी मैं PDF जो दूंगी उसमें ये सब चीजें कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो जिसको PDF चाहिए एंड तक वीडियो देखो, मैं बताऊंगी अभी कैसे मिलेगा। TCP/IP क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये TCP का फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये दोस्तों नेटवर्क को जोड़ता है। TCP और IP में देखो दो प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, ठीक है, समझ में आ गया। आपके ये वाले प्रोटोकॉल में देखो दो प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, नेटवर्क को जोड़ता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल में, सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला है। दूसरा देखो क्या है, FTP। FTP का पूरा नाम क्या है, पहले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये इस प्रोटोकॉल की आप मदद से एक यूजर जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपनी फाइल्स, दस्तावेज यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके टेक्स्ट फाइल, ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल, प्रोग्राम फाइल, इन सब को ट्रांसफर करने में मदद करता है। यानी FTP से नाम पता चला, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी आपकी फाइल होंगी, मल्टीमीडिया फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, इन सब को कौन ट्रांसफर कराएगा, इन सब को आप FTP की मदद से एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, क्लियर। FTP आगे देख लो, HTTP, दो HTTP होते हैं, आपने सुना भी होगा, पहले फुल फॉर्म देख लो HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और होता है दोस्तों, नाम आपने सुना होगा, वो क्या है,
HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस S का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। ये क्या है, काम इसका वही है जो HTTP का है, बस S की वजह से ये क्या है थोड़ा और सिक्योर हो जाता है, थोड़ा सा यहां पर आपको समझ लो सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, यहां पर क्या है आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती है, जो आपको पता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में कई तरह के जो हैकर्स होते हैं, कई और लोग होते हैं, वो क्या करते हैं आपका डेटा निकालना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करना चाहते हैं। उन सब से बचने के लिए एक नया वर्जन HTTP का आया है, HTTPS। S का मतलब सिक्योर्ड, ये HTTP से ज्यादा सिक्योर होता है, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल देखो सुरक्षित तरीके से ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है। जो आप गूगल या किसी को ब्राउज करते हो वो किसकी मदद से करते हो, HTTP की मदद से आप ब्राउजिंग करते हो। इसलिए आप देखते होगे तो एड्रेस जब ऊपर आता है तो वहां लिख के भी आता है HTTP और S, ऐसे करके बन के आता है, आपने देखा होगा ऐसे स्लैश स्लैश करके आता है ना, तो वो यही है कि ब्राउजिंग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हो। ठीक है, जनरली इसका उपयोग लिखा है बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन आप कई जगह इसका उपयोग करते हो, ज्यादातर लिखा है बैंकिंग के क्षेत्र में मगर आप कई जगह इसका उपयोग करते हो। आप गूगल पे करते भी होगे तो कई बार साइट में देखते होगे HTTP लिख के आता है। IP वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ पढ़ लेते हैं। IP क्या है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और ये नियमों का एक समूह होता है। प्रोटोकॉल हमेशा जान जाओ नियमों का एक समूह होगा, पूरे समूह के जो नियमों के समूह होंगे उन्हीं को आप प्रोटोकॉल बोलते हो। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो आईपी का। इसके अलावा क्या करते हो, इसका काम डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसका काम, डेटा पैकेट को आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजोगे और क्या करते हो, इस प्रोटोकॉल को आप TCP/IP या UDP/IP के नाम से भी जाना जाता है, जो कनेक्शन लेस सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जो प्रोटोकॉल है आपका इसको TCP/IP या फिर UDP/IP के नाम से जाना जाता है और ये कनेक्शन लेस, बिना कनेक्शन के आपको ये इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। आईपी के देखो दो वर्जन आ चुके हैं, पहला वर्जन क्या था आपका IPv4 था, इस समय जो आप 2006 में जो दूसरा आया उसका क्या नाम है IPv6 है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी बहुत तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, पहला वर्जन IPv4 था, अभी जो यूज कर रहे हो वो आपका क्या है IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन है। आगे देख लो UDP क्या है, UDP का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है और ये क्या होता है, ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग भी क्या करने के लिए करते हो आप, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। UDP में क्या है, डेटा को आप ट्रांसफर जब करोगे तो आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बिना कनेक्शन के आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन के बिना ही आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये देखो यूडीपी जो है टीसीपी सब दोनों आपके कनेक्शन लेस है, कनेक्शन की जरूरत नहीं कि आपको कनेक्शन डेडिकेट करना है, बिना कनेक्शन के ये सब पैकेट्स में आप क्या करते हैं चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो भी डेटा होता है इसका उपयोग ज्यादातर मनोरंजन जैसे गेम खेलने, वीडियो देखने, इन सब के लिए किया जाता है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है। टीसीपी की तुलना में ये थोड़ा सा कम रिलायबल होता है, कम विश्वसनीय है। अगर यूडीपी की बात करें और टीसीपी की बात करें तो टीसीपी पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो, टीसीपी ज्यादा विश्वसनीय है एज कंपेयर टू यूडीपी के। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देख लेते हैं क्या है दोस्तों पीओपी। पीओपी क्या होता है, पीओपी जो है इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। देखो जो लेयर बता रही है वो इंपॉर्टेंट है, पीछे मैंने आपको बताया था यूडीपी किस पे प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और ये आपका पीओपी किस पे है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हो आप, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मैसेज ट्रांसफर एजेंट के रूप में क्लाइंट से सर्वर तक आप जो भी चीज चाहते हो वो भेजते हो। जनरली इसका काम बस समझ जाओ कि मैसेज भेजने के लिए या फिर ईमेल भेजने के लिए किसका प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है, आगे देख लो SMTP। SMTP क्या है, सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? इसका काम भी सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। SMTP POP दोनों का काम क्या हो रहा है? ईमेल भेजने के लिए। दोनों चीजें आपकी क्या कर रही हैं? ईमेल को भेज रही हैं, POP भी और SMTP भी। ठीक है, SMTP देखो सेम लिखा है, POP की तरह ही है। इसका इस्तेमाल भी ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आता है। इसकी क्या है, इस प्रोटोकॉल में बहुत सारी आपकी कम्युनिकेशन गाइडलाइंस है। ठीक है, जिसे आप ईमेल भेजते हो इसमें आप वीडियो, चित्र, ऑडियो और ग्राफिक्स जैसे डेटा को भी भेज सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं खाली मेल जाएगा, यहाँ पे आप जो भी चीज़ अपनी ग्राफिक्स है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, वो भी आप SMTP के थ्रू क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। FTP मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे आ गया है कि FTP में कुछ चीज़ें, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको पता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, FTP होगा। ये कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका काम फाइल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए है। इस प्रोटोकॉल में आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग करके आप फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो। फाइलों को ट्रांसफर करते वक्त 3 अलग अलग मोड का उपयोग करता है। कौन कौन से 3 मोड हैं? एक आपका ब्लॉक मोड है, स्ट्रीम मोड है और कंप्रेस्ड मोड है। ठीक है, 3 अलग अलग मोड का इस्तेमाल करता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सिंपली समझ जाओ FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब देखो जितनी चीजें थ्योरी समझा दे रही हूँ उसके बाद जब आपको बताऊंगी वो होगा आपका MCQ, तो आपको ये थ्योरी समझनी बहुत जरूरी, उसके बाद MCQ अपने आप लगा सकते हो। HTTP का फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका ये प्रोटोकॉल, इसका उपयोग कहाँ करते हो आप, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए आप करते हो। आपको बताया मैंने, जब भी आप कोई चीज ब्राउज करते हो तो क्या होता है आपका HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP जो प्रोटोकॉल है वो काम करने लग जाता है। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो इन सब के रूप में ट्रांसफर करता है। FTP के समान होता है क्योंकि यह फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करता है, और FTP भी यही काम करता है। लेकिन कंपैरिजन क्या है, FTP की तुलना में यह बहुत सरल होता है क्योंकि यह फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एक कनेक्शन का उपयोग करता है। SMTP के समान भी होता है क्योंकि यह क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो देखो सबका मोर और लेस अलग अलग प्रोटोकॉल जो आपके बनाए गए हैं उन सबका काम एक ही जैसा है, बस क्या होता है किसी में कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। कुछ आपके पुराने प्रोटोकॉल हैं, कुछ आपके नए वर्जन हैं जिसको अभी यूज किया जा रहा है। ठीक है, काम सबका मोटे तौर पे वही हो रहा है। ये फिर वही आपका HTTPS आ गया, मैंने बताया था ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या मैंने बताया था आपको, HTTPS। ये क्या है, ये थोड़ा एनक्रिप्टेड वर्जन है। एनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है, एनक्रिप्टेड मतलब होता है कि चीज को कोड के साथ या पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्टेड वर्जन मतलब ये ज्यादा प्रोटेक्टेड है, ज्यादा सिक्योर्ड है आपका। ठीक, इसमें क्या है, ऑनलाइन जो भी आप काम करते हो उसके लिए इसको ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। HTTPS लिखा होता होगा, आपने देखा होगा ऐसे कई बार आपकी स्क्रीन पे देखना ऐसे लिख के आता है, HTTPS लिख के आता आपकी साइट पे देखना आप। ठीक है, इसका इस्तेमाल वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि कोई भी हैकर वेबसाइट को क्या करता है, हैक नहीं कर पाता है और यूजर का डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट के साथ संचार कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसमें ब्राउजर तथा वेबसाइट के बीच जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि उसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। बहुत सिक्योर तरीके से आप अपनी बैंकिंग और सब चीजों को कर सकते हो। क्लियर है, HTTPS। आगे देख लो, टेलनेट। टेलनेट क्या है, टेलनेट आपका टर्मिनल नेटवर्क होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लोकल कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। टेलनेट जो होता है क्लाइंट और सर्वर सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ज्यादातर क्लाइंट प्रोग्राम और रिमोट कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो टेलनेट का नाम समझ लो टर्मिनल नेटवर्क है। ये काम क्या करता है, लोकल जो आपका कंप्यूटर होता है उसको जो और चीजों से आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो किसका यूज करोगे आप, टेलनेट का। ठीक है, टर्मिनल नेटवर्क का यूज करके आप लोकल कंप्यूटर को बाकी और कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हो। आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद गोफर।
गोफर क्या होता है दोस्तों? गोफर जो है आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल वेब सर्वर पर स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेब सर्वर पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट स्टोर है उसको आपको निकालना है, एक्सेस करना है, तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? गोफर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। ये प्रोटोकॉल अलग अलग साइटों से डॉक्यूमेंट को खोजने, रिकवरी करने और डिस्प्ले करने में मदद करता है। तो आपको पता पूछा जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो अलग अलग डॉक्यूमेंट जो आपके हैं उनको खोज सके या उनको आपको क्या कहते हैं डिस्प्ले कर सके, तो कौन सा प्रोटोकॉल आप बताओगे? गोफर प्रोटोकॉल बताओगे। और मेरे ख्याल से ये आपका एंड है इसका। हाँ बिल्कुल, बाकी सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए जितने प्रोटोकॉल थे, जो मैंने TCP/IP और आपको OSI का बताया है, वो आप क्या करोगे दोस्तों? वो आप खुद से पढ़ लेना। अगर PDF लोगे तो मैं आपको PDF में तो सब कुछ दे दूंगी। PDF के लिए आपको क्या करना है देख लो, 8957215956 8957215956 इस नंबर पे आपको क्या करना है? इस नंबर पे आपको जो क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करके। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको अभी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक में आपको सारी डिटेल जानकारी दे दूंगी। इसके लिए देखो आपको सिर्फ 100 रुपीज का गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हो, और उसका स्क्रीन शॉट शेयर करोगे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको ई बुक में क्या है, ई बुक कंप्लीट आपको कंप्यूटर की जो आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें होंगी, प्लस आपको और एडिशनल जो MCQs यहाँ नहीं कराए गए हैं वो एडिशनल MCQs भी आपको उसमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट ईबुक मिल जाएगी। एक बार का आपको ये पेमेंट करके कंप्लीट तुरंत आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज आप पेमेंट करोगे तो दो तीन दिन करके मैं चीज़ें दूंगी। आपकी सारी चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं। आप 100 रुपीज़ का पेमेंट 8957215956 पर गूगल पे या फिर फोन पे करके करोगे और उसका स्क्रीन शॉट मुझे शेयर करोगे, तो मैं क्या करूँगी, आपको तुरंत ही जो आपकी बुक है, ई बुक जो है कंप्यूटर की, ये आपको क्या करूंगी, आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें देखो आपको क्या कंटेंट है जानने के लिए, कैसा कंटेंट दे रही हूँ उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो, वहां पर एक ऑलरेडी डेमो पड़ा हुआ है, प्लस जो मैं पढ़ा रही हूँ आप जाके देख सकते हो, वैसा ही कंटेंट आपको दिया जाएगा। यहां आपको जो कम MCQs भी दिए गए हैं वहां वो सारे MCQs आपको एडिशनल भी दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पे कर सकता है पेमेंट। पेमेंट देखो आप कहोगे तो पेमेंट मैंने इसलिए रखा कि मुझे पता है फ्री की चीज प्रोवाइड करने पे कोई नहीं पढ़ता। मैंने कल के देख रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं ऑलरेडी आपको जब फ्री की चीजें पढ़ाती हूँ, UPG की कोई बुक भेजी भी हूँ तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आप उसके बाद मुझसे पूछते रहते हो मैम कहाँ से पढ़े क्या करें। मैं पेमेंट लेके अगर आपको कोई चीज दूंगी तो मुझे पता आप अपने आप वैल्यू समझोगे, उसको एटलीस्ट खोल के जरूर एक से दो बार देखोगे। तो इसीलिए आप पेमेंट बहुत मिनिमम रखिए, 100 रुपीज ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप अगर इसको कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको उस चीज की जेन्युइन चीज पता चले कि हाँ मेहनत की गई है। और देखो टाइप करने में सब कुछ करवाने में मेहनत तो लगती ही है, मैं तो टाइप करती नहीं हूँ, मैं किसी से करवाती हूँ पूरा कंटेंट टाइप, तो वहाँ मेहनत लगती ही है, इसलिए आपसे छोटी सी नॉमिनल फीस रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप इस नंबर पे 8957215956 पर गूगल पे फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करोगे व्हाट्सएप नंबर पे, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, बाकी सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाएंगी। एक बार की आपकी ई बुक है, एक बार का पेमेंट होगा और एक बार में आपको सारा कंटेंट दे दिया जाएगा। बार बार कोई चक्कर नहीं है कि आज पढ़ाया कल पढ़ाया, आज जितना है वो सारा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपकी UPGK की क्लासेस कराऊंगी मैं, आप तो बस बेहतरीन ढंग से जुड़ जाओ और पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस सेट खूब करते रहो। और एक चीज और, बहुत से लोग नेगेटिव लोगों से बहुत घिरे रहते हो, अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाओ। नेगेटिव जो भी आपको लगे कि बोल रहा है बात कर रहा है उससे दूर हो जाओ। एक बार में सफलता नहीं मिलती तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जो ये कहे यार तेरे बस का नहीं उससे दूर हो जाओ। जो ये कहे कि नहीं भाई तू कर सकता है, तेरे अंदर हिम्मत है, अच्छे से मेहनत कर, अगली बार और अच्छे से प्रयास कर, तेरा सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करो, उसी से मोटिवेटेड रहो। ठीक है, डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग आएंगे उनसे बिल्कुल दूर रहो। जो कह सिलेक्शन हो नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उन सब से दूर रह के अपनी पढ़ाई पर तैयारी करो, फोकस करो, और कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।